हेलो दोस्तों, ड्रीमलेंस टीवी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये हमारा एक्सटॉक का दूसरा वीडियो है। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसा विषय लेके हाजिर हुआ हूँ जो वेडिंग फोटोग्राफी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वायरस या कोविड-19, इसके मार से कोई भी बिजनेस इंडस्ट्री बची हुई नहीं है। चाहे हम बड़े स्टॉक्स की बात कर ले या सड़क के सामने या सड़क के बाजू में लगने वाली छोटी सी दुकान, चाहे हम 5-स्टार होटल्स के बात कर ले या एक चौल में लगने वाली पुचके की दुकान, सबकी कहानी लगभग लगभग एक ही है। हर कोई इस महामारी के बीच में फंसा हुआ है और हर किसी का बिजनेस एक तरह से कह लिया जाए कि चौपट है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा टॉपिक पे डिस्कस किया जाए जो अभी के प्राकृतिक आपदा से जुड़ी हुई हो और हमारे इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हो। दोस्तों, मैं जो कहने जा रहा हूं ये सारा मेरा अपना खुद का कैलकुलेशंस है, और आप इसको मान के चलें या फिर इस पे अपना भी दिमाग लगाएं और इससे बचने के लिए उपाय सोचें और हमें भी बताएं, तो वो समाज के लिए और हमारे इंडस्ट्री के लिए हितकारी साबित हो सकता है। आज का हमारा टॉपिक है वेडिंग इंडस्ट्री में कोरोना वायरस महामारी का क्या प्रभाव पड़ रहा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों, आए दिन मुझे जो इस इंडस्ट्री से जानते हैं वो मुझे काफी प्रश्न करते रहते हैं, और इन्हीं सारे प्रश्नों के उत्तर लेके मैं आज आपके सामने में हाजिर हुआ हूं। उनमें से पहला प्रश्न है, क्या हमारा आने वाला वेडिंग इवेंट्स क्या कैंसिल हो जाएगा? जैसे कि हम सभी जानते हैं, अप्रैल और मई, ये इन महीनों में अच्छी खासी वेडिंग्स होते हैं और इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए सारे लोग इस वक्त व्यस्त रहते हैं, रहते थे हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी चाह करके भी वो नहीं रह पाएंगे। हाँ दोस्तों, अभी जितने भी वेडिंग्स होने थे वो सारे कैंसिल ही होने हैं, या फिर मैं कह सकता हूँ कि पोस्टपोन होने हैं। कैंसिल का अर्थ होता है वो प्रोजेक्ट्स आपको दोबारा नहीं मिलेगा, और पोस्टपोन होने से ये प्रोजेक्ट्स नए डेट्स में संभव हो पाएंगे और आप उनको कर पाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स का कैंसिल होना और पोस्टपोन होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस प्राकृतिक आपदा से लड़ने के लिए हमें सामाजिक स्तर पे दूरियां बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, जिसे हम सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से ही जान रहे हैं। तो शादी एक ऐसी चीज है जहां पे असंख्य लोग जुटते हैं। इस महामारी के बीच में अगर असंख्य लोग जुट जाएं, तो शादी बस एक बहाना रह जाएगा महामारी को फैलाने के लिए। तो इन शादियों का पोस्टपोन होना और कैंसिल होना हमारी देशभक्ति की ओर एक अपनी योगदान है। इनको कैंसिल होना ही चाहिए, इनको पोस्टपोन होना ही चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि इन कैंसिल होने वाले और पोस्टपोन होने वाले वेडिंग के वजह से हमारी रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? क्या हमें इस इंडस्ट्री में इस बार लॉस का मार झेलना पड़ेगा, या फिर हम इससे भी बच सकते हैं? देखिए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आप सभी को यह कहना चाहूंगा जो इस इंडस्ट्री से जुड़ी एक कटु सत्य है कि हमारी इंडस्ट्री में जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, चाहे फ्रीलांसर्स ही ले लें या फिर कंपनी ओनर्स ही ले लें, सारे लोग ईएमआई से घिरे हुए रहते हैं। आए साल, या फिर मैं कह सकता हूं कि हर 3 साल, हर दूसरे साल, हर चौथे साल आपको अपनी इक्विपमेंट्स के ऊपर में भारी खर्च करने की जरूरत पड़ती है, उसे अपग्रेड और अपडेट करने की जरूरत पड़ती है।
जिसके लिए आप हमेशा बैंकों का सहारा लेते हैं। कहा जा सकता है कि हमारा जीवन ईएमआई से ही घिरा हुआ है। तो जब आपका जीवन ईएमआई से घिरा हुआ है और आपके जीवन में आने वाले जो इनफ्लो है, जो पैसा है, वो वेडिंग फोटोग्राफी से आती है और वो अगर पोस्टपोन हो रही है, तो लाजमी है कि आपकी जो प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन है वो लड़खड़ाई हुई है और आप पे बहुत ही कड़ाली मार पड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस साल लगभग आपकी जो बिजनेस है वो लॉस में ही जाने वाली है। क्यों लॉस में जाने वाली है, उसका तथ्य मैं कुछ आपको देना चाहता हूं। मान लेता हूं या फिर मान लेते हैं कि इन दो महीनों में, अप्रैल और मई महीनों में, आपको 6 वेडिंग्स की बुकिंग मिली थी, सारे कैंसिल हो गए या फिर सारे पोस्टपोन हो गए। अगर पोस्टपोन हो गए तो सामने आपके पास में डेट्स नहीं है कि डेट्स बिल्कुल भी निश्चित है कि नवंबर या दिसंबर को ही पड़ने वाली है। अगर नवंबर और दिसंबर को ये डेट्स पड़ेंगी तो आप नवंबर और दिसंबर में होने वाली जो नए वेडिंग्स थे, जो आपको दूसरा काम मिल सकता था, वो ना लेके आपको यही काम करना होगा जो प्रेजेंटली आपने बुकिंग ले रखे हैं। तो कह लीजिए हमारे 6 के 6 वेडिंग्स दिसंबर या फिर नवंबर महीना में आपको मिलने वाली है। उन डेट्स में आप नए बुकिंग्स नहीं ले पाएंगे। इसे अगर मैं दूसरे तौर पे भी अगर देखूं तो 6 वेडिंग्स तो आपको अप्रैल और मई महीना में मिली थी। अगर प्राकृतिक आपदा ना होती तो नवंबर दिसंबर में और भी 6 मिल सकती थी। कुल मिलाके आपको 12 वेडिंग्स मिल सकते थे, जिस जगह पे आप 6 से ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे। और एक पॉइंट है दोस्तों, मान लेते हैं ये 6 के 6 वेडिंग्स पोस्टपोन होती है और हम कहां निश्चित कर सकते हैं कि सारे 6 डिफरेंट डेट्स में होंगे। ये तो कोई एक सिंगल डेट पे भी क्लैश कर सकती है, उस समय नतीजा और भी बुरा होने वाला है, क्योंकि आपको अपने पॉलिसी के हिसाब से, अगर आप 1 से ज्यादा वेडिंग एक दिन में करते हैं तो वो अलग बात है। जैसे कि मैं अगर अपने हिसाब से लूं, ड्रीमलैंड फिल्म्स एंड फोटोज कभी भी 1 से ज्यादा वेडिंग एक दिन पे नहीं करती है, इससे क्वालिटी पे इश्यू आती है। और आप अगर यही चीज आप भी फॉलो करते हैं तो आप भी 1 से ज्यादा वेडिंग्स नहीं ले पाएंगे। कहने का मतलब, आपको कोई दूसरा वेडिंग जो उस डेट पे क्लैश हो रही है या फिर तीसरा जो क्लैश हो रही है वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। फिर भी मैं मान लेता हूं तो आपको नए और पुराने मिला के, कुल मिला के आपको 6 वेडिंग्स मिल गए। फिर भी मई और अप्रैल में जो आपको वेडिंग्स मिलने वाली थी वो आपके लिए लॉस ही रहेगी। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप एक वेडिंग एवरेज 3 लाख पे आप लेते हैं, तो कुल मिला के 6 वेडिंग्स आपको नहीं मिल रही है या फिर पोस्टपोन हो रही है, जिसकी वजह से आप नए 6 वेडिंग्स को नहीं ले पा रहे हैं। सो 6 × 3 = 18 लाख का लॉस आपको झेलना ही पड़ेगा। इसी तरह से आप अपने रेंज पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं आधे से ज्यादा इंडस्ट्री फ्रीलांसर वर्कर्स, फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स पे टिका हुआ है। मायना यह भी रखता है कि आप की डील फ्रीलांसर फोटोग्राफर्स के साथ में कैसी है। आप क्या उनको डेट्स पे बुक करने के बाद काम हो या फिर ना हो तब भी पे करते हैं, या फिर आपकी टर्म्स ऐसी है कि उन डेट्स पे अगर काम हो तभी आप पे करेंगे। यहां पे अगर आपकी टर्म्स है कि आपकी डेट आपने उनको दे रखी है और आपने उनसे काम नहीं करा पाए, फिर भी अगर आपको पैसा देना पड़ता है इस क्षेत्र में, आपकी ये जो लॉस होने वाली है ये और भी ऊपरी लॉस है जो आपकी वेडिंग बुकिंग से हटके है।
दोस्तों तीसरा चीज मैं ये बोलना चाहूंगा कि क्योंकि आप ईएमआई से घिरे हुए हैं, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूं इस इंडस्ट्री से जिनके अकाउंट्स हमेशा भरे पड़े होते हैं पैसों से, क्योंकि मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि हमारा इंडस्ट्री ऐसा है जो लगभग 12 महीना ही ईएमआई से घिरा हुआ रहता है। और इस समय जब आपके पॉकेट में पैसा नहीं आ रहा है तभी भी या तो आपको ईएमआई देना होगा या आरबीआई के रूल्स के अनुसार आपको ईएमआई में छूट मिलेगी। पर बात यह भी है कि आरबीआई कह रही है कि ये जो 3 महीना है जिसपे आप ईएमआई नहीं देंगे उन पे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लगने वाली है। मैं कल परसों ही एक कैलकुलेशन करके देख रहा था, लगभग ये 3 महीना का जो ईएमआई है इस पे आप अगर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करते हैं लगभग ये डबल अमाउंट हो जा रही है। तो डिसीजन लेना हालांकि आपके ऊपर में है, आज नहीं कल आपको ईएमआई पे करना ही है। और कहा जा सकता है कि अक्टूबर तक में कैश फ्लो का लगभग महामारी ही रहने वाला है। अब इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे, आपको ईएमआई तो पे करना ही है, आप अपने बड़े से, अपने पिताजी से, अपने माताजी से, अपने भैया से कुछ पैसे लेंगे और ईएमआई को पे करेंगे। पर याद रखें दोस्तों, इन पैसों को भी आपको उधारी के तौर पे ही देखना होगा, क्योंकि यह घर का पैसा है जिसे आप अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वापस नहीं आने वाली है। तो आपको आने वाले दिनों में इसे कमा करके जिनसे आप ले रहे हैं उनको जरूर वापस करना है। हमारी इंडस्ट्री इन्हीं पॉइंट्स पे मार खाती है। लोग पैसा लेते हैं अपने रिलेटिव से और फिर भूल जाते हैं, उसे कैलकुलेशन ही नहीं करते हैं कि वो एक खर्च है, वो हमारे परिवार पे एक नेगेटिव असर दे रही है। दोस्तों अगर आप फुल टाइम एक्सपर्ट्स को लेके अपना ऑफिस चलाते हैं तब भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि आपके अच्छे समय में उन सभी ने आपका साथ दिया है, आपको इस आपदा के समय में उनका साथ देना ही है और देना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक व्यक्ति से, एक दिमाग से नहीं चल सकती। और हर दिमाग जो आपकी कंपनी से के साथ में जुड़ी हुई है उनका महत्व देना यह आपका कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों एक तरफ तो आपको वेडिंग्स नहीं मिल रही है, दूसरे तरफ आपकी ईएमआई, आपके सैलरीज, आपके रेम्यूनरेशन सब कुछ चल रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह महामारी का असर हमारी इंडस्ट्री पर किस तरह पड़ रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा जिन कंपनीज ने इन सारे चीजों का कैलकुलेशन बिना किए हुए आज तक कंपनी चलाया है, यह बंद भी हो सकती है। तो आते हैं दोस्तों अगला प्रश्न पे कि इन आपदाओं से ये जो रेवेन्यू लॉस है उसका सामना हम कैसे करें, जो हमारा वीडियो का सबसे मेन पॉइंट है। तो दोस्तों इन सारे प्रॉब्लम से बचना कैसे है, आइए इन पॉइंट्स पे हम कुछ नजर डालते हैं। पहले तो सारा चीज इस पे निर्भर करता है कि आपके बुकिंग्स के क्राइटेरियाज कैसे हैं, आप क्या बुकिंग अमाउंट लेते वक्त में वो रिफंडेबल रखते हैं या फिर नॉन रिफंडेबल उसे करार करते हैं, या फिर एग्रीमेंट्स में आपके बाकी पॉइंट्स क्या हैं। आपकी अगर एग्रीमेंट्स के टर्म्स नॉन रिफंडेबल पॉलिसी को अगर मानती है तब भी आपको अपने क्लाइंट के साथ में एक दफे बात कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आपदा है ये किसी के चाहने से या फिर ना चाहने से नहीं हुई है, ये सबके लिए समान है। जितना प्रॉब्लम हम झेल रहे हैं शायद उतना ही या फिर उससे भी ज्यादा हमारे क्लाइंट्स भी झेल रही हो। तो हमारे क्लाइंट्स के साथ में एक दफे बात कर लेना
अभी तो मिल के बात करना बहुत ही असंभव सा एक विषय है, उनके साथ में व्हाट्सएप पे या फिर एक दफे कॉल करके बात कर लेना बहुत ही जरूरी है कि आपकी इवेंट्स क्या कैंसिल हो रही हैं या फिर पोस्टपोन हो रही है। पोस्टपोन हो रही है तो किन डेट्स में पोस्टपोन हो रही है, आप उनको लेकर के आप अपने डायरीज में, आप अपने कैलेंडर्स में मार्क कर लें। इससे क्या होगा कि आपने जो बुकिंग अमाउंट्स ऑलरेडी ले रखे हैं इसको आपको रिफंड नहीं करना होगा। और अगर आपकी बुकिंग्स कैंसिल हो रही है और आपकी पॉलिसी नॉन रिफंडेबल है, तब भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने क्लाइंट्स को थोड़े से बेनिफिट जरूर दें, क्योंकि मैं पहले भी दर्शकों को कह चुका हूं कि ये हमारे लिए सिर्फ ये आपदा नहीं है, ये उनके लिए भी उतनी ही बड़ी आपदा है जितनी हमारे लिए है। तो भरसक आपके तरफ से सहयोग होना चाहिए कि आप इसको पॉजिटिवली उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं। आप उनके साथ में बातचीत करें कि आप पैसे तो नहीं लौटा सकते हैं, भले ही उनके घर में होने वाले दूसरे जो इवेंट्स हैं उनमें आप रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको वो हायर करें और आप जो वो मॉनेटरी डिफरेंस है उसको वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये संभव है दोस्तों, हर चीज का सलूशन बातचीत पे ही टिका हुआ है। और मैं नहीं समझता कि हमारे क्लाइंट्स भी इस चीज को नहीं मानेंगे और नहीं समझेंगे। ये सारे सेम चीज आप उन क्लाइंट्स के साथ में भी कर सकते हैं जिनके वेडिंग्स आने वाले दिनों में एक ही डेट पे क्लैश कर रही है। आप उस समय कदापि ये ना देखें कि किनकी वेडिंग ज्यादा अमाउंट पे बुकिंग हुई है, आप कृपया ये देखें कि किनकी बुकिंग की नए डेट्स, जो नई डेट है वो आपको पहले दफे मिल रही है। जिनकी डेट्स आपको पहले मिल रही है आप उनको ही प्रेफरेंस दें, और बाकी जो वेडिंग्स है जो सेम डेट पे अलॉट हो रही हैं, आप अगर उसे ले सकते हैं तो अलग बात है, अगर नहीं ले सकते हैं तो उनके साथ में भी बातचीत करें कि इन बुकिंग अमाउंट्स का आप क्या करने वाले हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, फ्रीलांसर्स के साथ में कैसे डील करना है। दोस्तों अगर आपने पे ऑन डेट्स मेथड का अगर अपने एग्रीमेंट में उल्लेख किया है, पे ऑन डेट्स कहने से फ्रीलांसर्स को अगर आप डेट पे बुक करते हैं और आपको उन्हें पे करना ही है, आप भले ही उनसे काम कराएं या ना कराएं, इस टाइप की अगर पॉलिसी आपकी है तब तो आपको उनको पे करना ही चाहिए। और अगर आपकी पॉलिसी ऐसी है जिसमें काम होने से ही आप पे करते हैं तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं। मगर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हर समस्या का समाधान बातचीत पे ही है। आपको एक दफे बातचीत करके देखना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छा व्यक्ति भी छुपा होता है, और क्योंकि ये समस्या सबके लिए समान है वो भी इन बातों को समझेंगे। तो आप ऐसे टर्म्स पे आ सकते हैं जैसे आधा पेमेंट आप उनको करें और आधे पेमेंट के लिए आप इंतजार करने कहें, क्योंकि सेम वेडिंग्स तो पोस्टपोन होने ही वाली है, आपको उनसे काम कराना ही है। दोस्तों ये तो हुई कि आपने क्लाइंट्स के साथ में और अपने फ्रीलांसर्स के साथ में कैसे डील करना है। अब आते हैं कि हम मॉनेटरी कमबैक कैसे करें। दोस्तों कोई भी आपदा, कोई भी समस्या काफी लंबा समय तक के लिए नहीं चलता है, इसको अंत होना ही है। और हम और आप अगर साथ दें, हम और आप अगर मिलके ये निश्चित कर लें कि हमें इस आपदा से निकलना है, तो ये काम, ये क्रिया और भी जल्दी हो सकती है। दोस्तों जैसे ही हम ये आपदा से बाहर निकलेंगे कुछ ना कुछ इवेंट्स होते ही रहेंगे। हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे यूजुअल जो बजट्स होते हैं, यूजुअल जो चार्जेस होते हैं उससे नीचे ही सही, मगर उस उन इवेंट्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, उन इवेंट्स को ले लेना चाहिए, उन बुकिंग्स को ले लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिकरिंग कॉस्ट है
उसमें आपको सुविधा मिलेगी। आप क्लाइंट्स को बताएं कि आप जनरली इतना चार्ज करते हैं, पर इस वक्त आप कम से कम इतना में आप यह काम कर सकते हैं, ताकि आपके हाथ से वो काम ना जाए। इससे दोस्तों आपको लॉस नहीं होगी। हाँ, अगले बार जब सब कुछ सुधर जाए तब आप फिर अपने जो एडमंट वाली जो आपकी थ्योरी है उसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, दिमागी स्तर पे भी इन चीजों का कुछ समाधान है। जो वेडिंग्स सेम डेट पे क्लैश कर रही हैं, आप काइंडली उनको आगे बढ़ के बताएं कि इस डेट में आप वेडिंग नहीं ले सकते हैं। इससे यह होगा कि आपके उन क्लाइंट्स के साथ में अच्छी रिलेशन बनी रहेंगी और फ्यूचर्स में भी उन क्लाइंट्स से आपको काम मिलेंगे, भले ही इस दफे आपके हाथ से वो काम छूट गया हो। एक सच्चा व्यक्ति और अच्छा व्यक्ति को कौन पसंद नहीं करता। तो इस समय वक्त है दोस्तों एक दूसरे को मदद करने का, अपने क्लाइंट्स को भी मदद करने का और चीजों को समझने का, हर चीज को पॉजिटिवली लेने का वक्त। दोस्तों, इस समय ग्रीडी तो बिल्कुल ही ना बने। आप सोचेंगे कि एक डेट्स में अपने पोटेंशियल से ज्यादा मैं काम उठा लेता हूं, किसी तरह से मैं उसे करके निकल जाऊंगा और इससे मुझे जो मॉनेटरी लॉस हुई है उसमें सुविधा मिलेगी। दोस्तों, ये एकदम ही गलत होगा। इससे होगा ये कि आपका जो इतना साल का किया कराया हुआ और बनाया हुआ रेपुटेशन है, सब पे पानी फिर जाएगी, क्योंकि आपके काम और आपका जो वर्क है वो निखर के बाहर नहीं आएगा। हर दूसरे काम में आपकी जो नाकामयाबी है, आपकी जो कमजोरी है, वो निखर के बाहर आ जाएगी। आप क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाओगे। इससे प्रेजेंटली तो आपको दो पैसा का मुनाफा हो जाएगा, पर आने वाले दिनों में जो कि बेहतर हो सकता था, उस पर करारा मार झेलना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सिर्फ आज की कठिनाइयों से बचने के लिए काम ना करें, भविष्य का भी सोचें, क्योंकि आपकी मेहनत से आपके परिवार चलती है। हर एक कदम हमें फूंक फूंक के लेना चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं मैंने जितने भी पॉइंट्स यहां पे मेंशन किए हैं आपको कहीं ना कहीं पे वो फायदा जरूर पहुंचा सकता है। आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगी हों तो दोस्तों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ताकि वो भी चीजों को समझ सकें, उनका भी बिजनेस आगे बढ़ सके और वो भी इस प्राकृतिक आपदा के मार से बच सके। दोस्तों, मिल के आगे बढ़ना और मिल के काम करना में ही हमारी भलाई है। इससे सबकी भविष्य अच्छी होती है। लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका अगर फर्दर भी कोई क्वेश्चंस हो आपके दिमाग में, आप जरूर कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में मैं जरूर उन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे पाऊं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एक स्टॉक पे हम एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, पर यह समय हमें वो अलाउ नहीं कर रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरे दिमाग से जितना भी पॉजिटिविटी या फिर पॉजिटिव चीज आपके लिए निकलता हो, मैं आपके समक्ष लेके आने का कोशिश करूंगा। यही कहते हुए आज के लिए विदाई चाहता हूं। धन्यवाद।